वेलकम स्टूडेंट्स जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक का, और इसमें हम लोग कुछ बड़े पॉइंट्स खत्म कर चुके हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म कर चुके हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम लोग कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन, और सबसे बड़ा जो पार्ट हम लोग खत्म किए वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके ढेर सारे एप्लीकेशन, ये बड़ा पार्ट था। तो ये तीन चीजें हम लोग खत्म किए। अब इसी में ही आप एनसीईआरटी के बुक को देखोगे तो इसी चैप्टर में ही, और अगर प्राइवेट बुक्स को देखोगे तो अलग मिलेगा। क्या जी? गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम से पहले हमें कुछ और चीजें भी जाननी पड़ेगी, तो हम गॉस थ्योरम की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम भी अप्लाई कराता जी। एक थ्योरम कहां अप्लाई होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है जी। हाँ, गॉस थ्योरम का भी यूज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसीलिए मैं अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस थ्योरम से कैलकुलेट करने की यहां पे कोशिश करूंगा और आपको सिखाऊंगा। इसीलिए गॉस थ्योरम को कैसे पढ़ें, तो गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी। क्या जाननी पड़ेगी वो आपको मैं एक पॉइंट करके समझाता हूं। पहले मुझे जाननी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जी। हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझना। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन समझ में आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाए, तो गॉस थ्योरम अपने आप समझ में आएगा और उसके एप्लीकेशन भी यूं लगेंगे जी। हाँ, तो यहां पर मैं कह लूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा जी। ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि चार्ज तो समझ में आ रहा है, चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यह भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन? क्या कहीं चार्ज रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है? हाँ। क्या उसमें लाइन बनने लगती है? नहीं भाई। तो फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग जी? इसको पढ़ने से, ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, इसको पढ़ने से हमें थोड़ा सा समझाने में या आपको समझने में आसानी होती है। इसलिए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या है ये, तो हम यहां पे कह लें कि वैद्युत बल रेखा जी। हाँ, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, हाँ, वह काल्पनिक रेखा जी, काल्पनिक हाइपोथेटिकल लाइंस है, काल्पनिक रेखा है जो कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की जानकारी या नेट वैद्युत क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध करता है या बताता है, जानकारी देता है। समझ आया? हाँ जी हाँ। तो ये कह सकते क्या है? वैद्युत बल रेखा है जी। वैद्युत बल रेखा एक हाइपोथेटिकल लाइंस है जो हमें क्या देता है, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जानकारी देता है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी कह सकते हैं क्या, इसको मैं इंग्लिश में भी डिफाइन कर दूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज अ हाइपोथेटिकल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, हाइपोथेटिकल लाइंस है, विच गिव्स अबाउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एनी पॉइंट, जी हाँ, जो कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट है उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी देता है। जी हाँ, कर सकते हैं। क्या है ये? हाइपोथेटिकल लाइंस है जो कि हमें क्या जानकारी देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट लीजिए वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किस डायरेक्शन में है, ये जानकारी हमें देगा कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। क्लियर है? यानी अगर चार्ज है तो चार्ज अपने कैरेक्टर के कारण चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, 3D डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितना है, किस डायरेक्शन में है, ये कैसे जाने, इसके लिए एक हाइपोथेटिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट लिया गया। और हाइपोथेटिकल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है, और जो किसी भी पॉइंट पर हमें किसकी जानकारी देता है, जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है इतनी बात? अब कैसे देता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये बातें क्लियर हो आगे चलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को अगर समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे जानकारी देता है। तो हम लोग क्या करें जी, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो यहां पर ये चीजें इसी हेडिंग में मैं यहां बढ़ा दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जी, यहां हिंदी में लिख दे रहे हैं वैद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता। जो मैंने पहला पॉइंट डिफाइन किया खुद एक विशेषता है वो, जी हाँ, कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती है और जो किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करते हैं अबाउट, हमें जानकारी उपलब्ध कराती है। दूसरा देखा जाए कि क्या इसकी विशेषता है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, अगर हाइपोथेटिकल लाइंस हमने खींची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट खींची गई है तो उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ले लोगे ना, तो जो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, डायरेक्शन ऑफ जो टेंजेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये सेकेंड पॉइंट। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या हमें देगा, जी हाँ, तो यह मैं कह सकता हूं कि पहली बात तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन इससे क्लियर हुआ। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जहां ज्यादा डेंस होगा यानी बहुत पास पास होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां उसकी डेंसिटी कम होगी यानी दूर दूर होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। इस तरह से स्ट्रेंथ पता चल जाती है और डायरेक्शन टेंजेंट से पता चल जाती है। और कैरेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जी हाँ, कह सकते किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जी क्यों, क्योंकि अगर वहां पे अगर ये एक दूसरे को काट रही है तो एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन जाएगा, और किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, ये दूसरी बात। तो यार ये कैरेक्टर, और देखा जाए क्या है जी, और यहां पे देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी फोर्स लाइनें चार्ज के सरफेस से किधर जाएंगी, इंफिनिटी की ओर, ये पहले बता चुका हूं। और निगेटिव चार्ज है तो उसकी फोर्स लाइन है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का स्ट्रेंथ में, अगर दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, लेकिन नेचर अलग अलग होगा तो फोर्स लाइनें हाइपोथेटिकल कैसे बनाई गई। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स लाइनें बाहर की ओर दिखाई जा रही हैं, इन्फिनिटी की ओर, और निगेटिव चार्ज के लिए फोर्स लाइनें इन्फिनिटी से सरफेस की ओर दिखाई जा रही हैं। क्लियर? अगर हम कहें कि दोनों चार्ज अलग अलग थे तो ये बात, अगर दोनों चार्ज पास में हो तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लाइनें निकल के कहां आएंगी, निगेटिव चार्ज की ओर, जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लाइनें किधर से निकल के आएंगी, निगेटिव, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा था बस अट्रैक्शन के कारण किधर चला आया, निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से इन्फिनिटी की ओर जा रहा था अट्रैक्शन के कारण कहां चला आया, निगेटिव की ओर, ये होगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो तो रिपेल होंगी, या दोनों निगेटिव होंगी तो रिपेल होंगी, और अगर दो चार्ज पास में रखे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों से सेम फोर्स लाइन, सेम नंबर ऑफ फोर्स लाइन, जी हाँ, इक्वल नंबर ऑफ फोर्स लाइन निकलेंगी, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफर है उसी रेशियो में फोर्स लाइन भी क्या होगी, बदल जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यहां समझने वाले हैं जी, इसको क्लियर अगर करते हैं तो मुझे लगता है फ्लक्स क्लियर होगा, और फ्लक्स क्लियर होगा तो जी एकदम क्या
क्रॉस थ्योरम मटकन की तरह आएगा, जब देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वैद्युत बल रेखा जी, पीछे जो लिखा था डेफिनेशन वही है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक रेखा है जिसके, काल्पनिक रेखा है जो कि किसी भी बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। पहली बात, जी हां, क्लियर। ये दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं क्या कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीज होता है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, तो वो कैसे मिलती जानकारी, ये देखें, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। क्लियर ये? हाँ, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो यहां पे कह सकते हैं कि जो टेंजेंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आप खींचोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पे जो टेंजेंट खींचोगे, यानी मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये मान लीजिए मेरे पास ये आ गया एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो यहां पर अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो यहां पे टेंजेंट मैंने लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। आप कहोगे यहां पे क्या होगा, तो यहां पे मैंने टेंजेंट ले लिया। आप कहोगे इस पॉइंट पर क्या होगा, तो ये मैंने टेंजेंट ले लिया। आप कहोगे इस पॉइंट पर क्या होगा, अरे तो ये टेंजेंट ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे तो वही हो जाएगी क्या, वैद्युत बल रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जी हाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, क्योंकि फोर्स लाइन कार्मिक है, अतः इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रहेगा, तो ये तो डायरेक्शन हो गया। और जो आपका क्लियर है, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, स्ट्रेंथ के बारे में बात करें कि जहां बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, बहुत पास पास होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जी हाँ, और जहां बल रेखाएं बहुत, सुन के भी लिखा जा सकता है, जी हाँ, दूर दूर होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। क्लियर है? जहां बल रेखाएं पास पास, यानी अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होती, कई लाइन से रिप्रेजेंट होती है, तो यहां पर मैं कह लूं कि जैसे मान लीजिए ये फोर्स लाइन ऐसे जा रही है, ये तो यहां पे ये फोर्स लाइन है, यहां देखा जाए तो यहां पर इनकी डेंसिटी क्या है, कम है,
और इस पोजीशन पर डेंसिटी कम है, यहां जबकि डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ये फोर्स लाइन का है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इस नाते फोर्स लाइन ऐसी है, लेकिन यहां पर देखो तो यहां लाइन ज्यादा एरिया ली हुई है और यहां लाइन कम एरिया ली हुई है, तो डेंसिटी यहां घनत्व तो क्या है, यहां पे ज्यादा सघन नहीं है, विरल है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि ई1 है और यहां पे बहुत लाइनें पास पास हैं, एरिया कम लिया हुआ है, डेंसिटी ज्यादा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई2 है, तो ये कह सकते हैं क्या कि ई1 इज लेस देन ई2। बात समझ आ रही है? तो कह सकते हैं क्या कि ये पॉइंट हमें ये सिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। जी हाँ, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो डेंसिटी के क्या है, प्रोपोर्शन में है। डेंसिटी यहां पे कह सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। क्लियर? ये जहां लाइन बहुत पास पास होंगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है फील्ड की, जहां दूर दूर है वहां पर स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इतनी बात क्लियर? अभी और प्रॉपर्टीज है जी, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट फोर पॉइंट, मैंने कहा था क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर। जी हाँ, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वैद्युत वल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, चाहे जितना भी डेंस हो जाएगा जी वो चलेगा, लेकिन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे क्रॉस करने का मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे नहीं जा सकती जी, या बहुत पास से चली जाएगी लेकिन काटेगी नहीं। उसका रीजन क्या, मैं आपको बता दूं, अगर काटेंगी तो इस पॉइंट पर, अगर इस लाइन पे, यहां पर एक ही टेंजेंट होगा, यहां पर एक ही टेंजेंट होगा, चलो यहां पर कहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, यहां कहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, यहां कहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, यहां कहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। बट अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर तो एक डायरेक्शन ये आएगा और एक डायरेक्शन ये आएगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पूछूं क्या डायरेक्शन है, तो आप कहोगे ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो कभी भी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकते, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते, वो रिजल्टेंट बना लेते हैं, ये मैंने बताया था। इसलिए कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट फाइव पॉइंट पर आते हैं। तो क्या रीजन है, समझ में आ गया कि काटती अगर तो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होते जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका हो गया फोर्थ। आप देखा जाए फाइव, तो यहां पर देखा जाए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया गया वो सरफेस से इनफाइनाइट कर, अरे यार लाइन थोड़ी गुजरेगी, लेकिन चार्ज है तो क्या दिया जाए डायरेक्शन, तो इनका इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर की ओर और निगेटिव का अंदर की ओर, क्योंकि हर पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव माना गया है, पढ़ने के लिए माना गया है, तो पॉइंट पॉजिटिव है तो निगेटिव अट्रैक्शन अंदर की ओर और पॉजिटिव है तो रिपल्सन बाहर की ओर। तो कह सकते हैं कि धनात्मक जी आवेश के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश के पृष्ठ से अनंतता की ओर, जबकि ऋणात्मक आवेश के
के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंतता से आवेश के पृष्ठ की ओर निर्देशित होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइन इज सरफेस टू एटवर्ड सरफेस टू इंफिनिटिव एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इंफिनिटिव टू सरफेस। जी हां, पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पे कह लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो सरफेस से किधर आएगा, इंफिनिटी की ओर, सरफेस से इंफिनिटी की ओर। सरफेस से अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस से किधर जाएगा, इंफिनिटी की ओर, 3D इधर भी पीछे भी। और नेगेटिव चार्ज अगर है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पॉजिटिव के साथ नहीं अलग बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लाइनें इनकी भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जी सर, और पृष्ठ की अभिलंबवत होती है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर होंगी। जी हाँ, पृष्ठ के परपेंडिकुलर होंगी, 3D होगा। लेकिन यहां पे अब इंफिनिटी की ओर नहीं, इंफिनिटी से सरफेस की ओर, इंफिनिटी से सरफेस की ओर। ओके, यहां पे कह लें क्या परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होगी, ये सरफेस चार्ज है तो ये आपका फोर्स लाइन इंफिनिटी टू सरफेस होगी और यहां सरफेस से इंफिनिटी की ओर। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट माना गया है, क्लियर है। इसलिए तो पॉजिटिव पॉइंट होता तो ये रिपल्सन और ये पॉजिटिव पॉइंट के लिए अट्रैक्शन खींच रही होती है। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम लोग और समझते हैं। जी तो अलग अलग अगर पॉजिटिव निगेटिव है ये हो गया, और अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ रखी जाए तो यानी एक पास में स्थित अगर हो, नेक्स्ट 6 पॉइंट है क्या, चलिए नंबर देख लीजिएगा, 6 पॉइंट लिखते हैं। हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आवेश एक दूसरे के बल क्षेत्र में स्थित होने पर बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश के पृष्ठ की ओर जाती है, क्लियर है ये। जी हाँ, कहीं कोई लिखा हुआ समझ में आया तो बोला भी जा रहा है उसको दिमाग में रखिएगा। अगर दो चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो मैं ये कह लूं कि पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लाइन निकलेगी, कहां जाती, इंफिनिटी की ओर, लेकिन यहां अट्रैक्शन है अतः इंफिनिटी की ओर ना जाकर निगेटिव की ओर चली जाएंगी। पॉजिटिव से निकल कहां जाती, इंफिनिटी की ओर, कहां चली जाएंगी, निगेटिव की ओर। पॉजिटिव से निकलने वाली कहां चली जाएगी, निगेटिव की ओर, ये कहां चली जाएगी, निगेटिव की ओर। ओके, यहां पे मैं कह लें फोर्स लाइन का ये डायरेक्शन होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच लो वो डायरेक्शन मिल जाएगा, क्लियर है ये। तो अगर दोनों चार्ज है, पॉजिटिव होता तो किधर जाता, इंफिनिटी की ओर, नेगेटिव होता तो नेगेटिव से चार्ज की ओर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो पॉजिटिव से चार्ज निकले, लाइन निकलेगी कहां चली जाएंगी, नेगेटिव की ओर। और 7 पॉइंट्स क्या कह लें, जी हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव है तो, और अगर यहां पे देख लें सीधा सीधा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये दो, ये भी पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव है, समझिए दोनों पॉजिटिव है, 7 पॉइंट, तो फोर्थ लाइनें सीधे जाती, लेकिन यहां पे रिपल्सन हो जाएगा। जी रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा ये,
रिपल्सन हो जाएगा, पॉजिटिव रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। जी हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, फोर्स लाइनें जो निकलेंगी वो सरफेस से किधर चली जाएंगी, या तीन तीन छह लाइनें सेम मैग्नीट्यूड है तो सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहां क्या होगा, रिपल्सन। और अगर मान लो दोनों निगेटिव होती तो, दोनों निगेटिव चार्ज होते तो पास में स्थित होते दूसरे के फील्ड में, एट पॉइंट, ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, लेकिन ये भी निगेटिव है तो निगेटिव वाला इनफाइनाइट से आएगा। जी हाँ, ये इनफाइनाइट से आएगा, लेकिन ये इनके बीच रिपल्सन है, इनफाइनाइट से सरफेस की ओर रहेगा। दो दो लाइन दिखा दे रहे हैं जी, चार इससे चार इससे, मैग्नीट्यूड सेम है तो लाइन भी सेम होनी चाहिए, कितनी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है तो लाइन सेम, मैग्नीट्यूड डिफर है तो उसी रेशियो में लाइन भी डिफर होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैग्नीट्यूड सेम है तो नंबर ऑफ लाइन भी सेम होंगे, लेकिन यहां पर अगर मैं कह लूं कि मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है 9 पॉइंट, जी हाँ, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया 2Q और इसका ले लिया Q, तो अब ये देखो इसके अगर 4 लाइन तो इसके 2 लाइन, इसके 6 लाइन तो इसके 3 लाइन, जो रेशियो चार्ज का वही नंबर ऑफ लाइंस का, क्या होगा, रिपल्सन होगा। जी हाँ, ये और ये यहां पर दिखा दे, ये 4 लाइंस, यहां पे केवल कितने 2 लाइंस दिखा दीजिए, क्लियर है रेशियो के हिसाब से। 10 पॉइंट्स मैं अगर यहां पे कह लूं कि ये आपका -2Q है और ये -Q है तो रिपल्सन होगा, लेकिन यहां जितनी लाइंस होंगी उसकी हाफ ही आऊंगी, या जितना यहां होगा उसके डबल ही आऊंगी, तो यहां से फोर्थ लाइन निकल रही है इनफाइनाइट से सरफेस की ओर। जी हाँ, कितनी मैंने ले ली, मैं यहां पे 6 ले ले रहा हूं, हाँ अलग अलग, यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं कितनी लाइंस लें, लेकिन मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि रेशियो होना चाहिए, जैसे 6 है तो यहां आप 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्लियर। ये तो ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ फोर्थ लाइन के हिसाब से स्ट्रेंथ होगी। अगर यहीं पे यह आपका +2Q होता और ये -Q तब तो अट्रैक्शन होता, लेकिन जितने लाइनें होती सब नहीं पहुंचती, जैसे यहां पे मैं कह लूं कितनी पहुंची, 1, 2, 3, 4 पहुंच गई, तो यहां के लिए 4 लाइन, बट यहां के लिए डबल होनी चाहिए, तो 4 ये और 1, 5, 6, 7, 8, जी हाँ, इससे कितनी लाइन निकली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इससे 1, 2, 3, 4, जी हाँ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डबल है इसका मैग्नीट्यूड से, तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के अबाउट कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स नजर आती है तो वो जरूर आप क्या करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप कर दें। अब इसके बाद, जी हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और अगर हम लोग फ्लक्स समझ गए तो गॉस थ्योरम को मैं कह रहा हूं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फ्लक्स समझने के लिए एक चीज और हमें समझना होगा, वो क्या, वेक्टर एरिया। और छोटी चीज है लेकिन उसको समझ लेते हैं वेक्टर एरिया को, और वेक्टर एरिया को समझने के बाद फिर हम लोग एक टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जी हाँ, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा तो आप समझ लेना मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ में आएगा, और इलेक्ट्रिक अगर समझ में आ रहा होगा तो मैग्नेट बहुत आसानी से आता है। जी हाँ, एक दूसरे के पूरक है, लेकिन इलेक्ट्रिक से पहले मैग्नेट पढ़ नहीं सकते, और इलेक्ट्रिक समझ में आ गया तो मैग्नेट आना है। तो यहां पे मैं क्या समझ रहा हूं, वेक्टर एरिया। जी, ये क्या है, अरे एरिया तो हम लोग पढ़े थे कि स्केलर, यहां तो वेक्टर आ गया, वेक्टर आ गया भाई, क्षेत्रफल सदिश। ये क्या, यहां वेक्टर कैसे देखा जाए, कहीं कहीं पे हमें इसका डायरेक्शन लेना पड़ता है, किसका, एरिया का। जी हाँ, एरिया का डायरेक्शन लेना पड़ता है, और इस नाते कहीं कहीं पर
एरिया को वेक्टर के टर्म में लिखा जाता है। अब कहेंगे वेक्टर एरिया क्या होता है, जैसे मैं यहां पे एक सरफेस बनाऊं, तो इसकी अगर ये आपका स्क्वायर अगर है तो इसका एरिया ले क्या होता है, स्क्वायर है तो जाए साइड का स्क्वायर, और अगर ये मान लीजिए कि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विथ हो जाएगा, जैसे भी एरिया निकालना हो। लेकिन ये एक सरफेस ऊपर होगा, एक सरफेस नीचे होगा, क्लियर है? तो ऊपर वाले सरफेस का भी एरिया वही होगा, नीचे वाले भी सरफेस का एरिया वही होगा, लेकिन डायरेक्शन अगर इसमें देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा और पीछे वाले का दूसरा आएगा। जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं कि यहां पे जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है, हाँ है, वही इसका भी एरिया है, वही इसका भी एरिया है ना। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए कि यहां वेक्टर एरिया क्या होगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा और इसका ये आएगा, समझा रही है? तो कभी कभी हमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए हमें परपेंडिकुलर टू सरफेस लेना पड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड टू सी का होगा सरफेस का एरिया, लेकिन उसमें डायरेक्शन जोड़ेंगे किधर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर ये आएगा, 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 इसका एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन आएगा, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन आएगा। यानी वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होता है। जैसे अगर ये आपकी कॉपी है जी, वेक्टर एरिया को समझेंगे तो फ्लक्स बहुत आसानी से समझ में आएगा, और फ्लक्स समझ में आया तो गॉस थ्योरम जी कोई दिक्कत नहीं, और मैग्नेट में भी। तो यहां पर ये एरिया जो है वही तो ये एरिया है कि नहीं है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये आएगा, और इसका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन अगर ये आएगा, क्लियर है जी? हाँ, इसका ये डायरेक्शन आएगा और इस सरफेस के वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ये आएगा। कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए यहां पर हमें वेक्टर एरिया पढ़ना है। अब देखो ये सरफेस है, ये आपका क्या हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा? सरफेस घूम रहा है तो वेक्टर एरिया भी घूम रहा है, सरफेस घूम रहा है तो वेक्टर एरिया भी घूम रहा है। तो समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या है वेक्टर एरिया, तो कह सकते हैं क्या कि एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह तो सरफेस एरिया, कह सकते एरिया ऑफ सरफेस के ही इक्वल होगा। जी हाँ, वेक्टर एरिया का जो परिणाम होगा वो सरफेस के एरिया के बराबर होगा। लेकिन अगर कहें डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा ऑफ एरिया वेक्टर, माइंड में रखेंगे दो बातें जी। पहली बात ये कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो सरफेस के एरिया के इक्वल होगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा हमेशा कह सकते ऑलवेज जी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होगा। यानी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा सरफेस के एरिया के बराबर होगा, जिस सरफेस की बात करेंगे, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, क्लियर है? ये सरफेस है तो इधर, पीछे वाला सरफेस लेंगे तो पीछे की तरफ, क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? तो यहां पे मैं कह लूं कि एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये आपका एरिया वेक्टर हुआ, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिखा जाए, जी हाँ इसका एरिया ए है, और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए मैं यूनिट वेक्टर से क्या कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि यह यूनिट वेक्टर का परिणाम मैग्नीट्यूड कैप लगा है तो एक होगा, और एक से मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है जी? हाँ, जैसे यहां पे देखो कि ये एक सरफेस मैंने बनाया, एक सरफेस मैं बना देता हूं, ये सरफेस मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, थोड़ा सा एक सरफेस करना। अब इस सरफेस पर यहां पर मैं अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखूंगा तो ये होगा, जी हाँ, इस सरफेस का एरिया सब एक है, लेकिन हर पॉइंट पे देखो एरिया वेक्टर अलग अलग है, यहां पर क्या अलग है, जी हाँ 90 का एंगल होना चाहिए, 90 का एंगल सरफेस से बनाएगा हमेशा 90 का,
तो कह सकते हैं क्या कि हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पूरे एरिया का, लेकिन हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या होगा अलग अलग। मैं अगर छोटे से एरिया को डीए लिखूं, जी हां डीए लिखूं, तो डीए का अपना कोई डायरेक्शन होगा, और अगर मुझे पूरा सरफेस एरिया वेक्टर चाहिए तो इंटीग्रेट कर लेंगे। जी हाँ, यानी अगर छोटा सा सरफेस एरिया आपको पता है क्या है, तो कह लें कि डीए है, तो पूरा एरिया क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीए। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। और एरिया है तो यूनिट क्या होने वाला है, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? तो पहली बात समझ आ रही है, वेक्टर एरिया क्या होता है। वेक्टर एरिया हाई स्कूल में नहीं सीखे रहते हैं, तो अक्सर आप फ्लक्स के क्वेश्चन गलत कर देते हैं और फैराडे लॉ के सवाल को आते हुए भी गलत करके चले आते हैं, क्योंकि वहां एरिया वेक्टर के बारे में जानकारी बहुत कम टीचर्स देते हैं। इसलिए आपको जानना है इस सरफेस का एरिया, जी हाँ लेंथ ये स्क्वायर कर लो या ये इंटू ये कर लो, हो गया। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर नहीं है, से दूसरा है, लेकिन इसका एरिया निकालोगे। लेकिन एरिया वेक्टर की बात करें क्या, तो ये एरिया में जो इसका एरिया है तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन जुड़ जाएगा, ये डायरेक्शन होगा हाँ, और इसका इधर है तो ये डायरेक्शन होगा, और इसका ये डायरेक्शन होगा, नीचे वाले का नीचे होगा। एरिया वेक्टर ये, एरिया वेक्टर ये, छोटा सा एरिया अगर पता हो उसका इंटीग्रेशन कर दो, पूरा सरफेस क्या मिल गया, एरिया मिल गया। बहुत कमाल की चीज है ये, बहुत काम आएगी। ये क्लियर नहीं होता जिससे कि क्वेश्चंस भी क्लियर नहीं होते। और अगर ये वेक्टर एरिया है तो सरफेस घुमा दो, एरिया वेक्टर घूमता जाएगा घूमता जाएगा। जैसे आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो ना कि मिरर पे नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मिरर को घुमाओ नॉर्मल घूमता जाएगा, वैसे ही अगर सरफेस घूम रहा है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी घूमता जाएगा, हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। दैट्स क्लियर। तो ये बातें जी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और एरिया वेक्टर को अच्छी तरीके से क्लियर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, सेंड करें, और व्हाट्सएप पर सेंड करिए, आप कमेंट में सेंड करिए, जी हाँ जहां भी आपको अच्छा लगता हो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक क्या करिए इसको सेंड करिए, और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और कह सकते हैं क्या कि अब लाइव, जी हाँ क्योंकि लाइव आ रहा हूं, तो आप लोग लाइव क्लासेस सुबह 6:30 बजे से पढ़िए। Okay, thank you very much.